नमस्कार मित्रों मित्रों आज हम अपने चैनल शुभ लाइफ पर आपके लिए एक खरपतवार जिसे नागर मूथा कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारे भविष्य में आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको लाभदायक लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों शेयर जरूर करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानकारी हमें महत्वपूर्ण नहीं लगती परंतु वह जानकारी हो सकता है हमारे किसी नजदीकी व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण हो, अतः आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों आइए बात करते हैं नागर मूथा की। दोस्तों नागर मूथा का पौधा आपने देखा जरूर होगा, लेकिन नागर मूथा के बारे में क्या आप जानते हैं कि यह कैसा है और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है? दोस्तों यह एक प्रकार की खरपतवार है जो धान की फसल के साथ होता है। आप नागर मूथा का उपयोग एक औषधि के रूप में कर सकते हैं और भूख बढ़ाने, पाचन विकार को ठीक करने के साथ साथ अन्य कई रोगों में नागर मूथा के फायदे ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अधिक प्यास लगने की समस्या, बुखार और पेट में कीड़े होने पर नागर मूथा से लाभ मिलता है। इसका लेप लगाने से सूजन ठीक होती है। इतना ही नहीं यह ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है। दोस्तों नागर मूथा तीखा और कड़वा होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। यह पचने में हल्का होता है। यह कफ, पित्त, खून की अशुद्धता को ठीक करने में सहायता करता है। नागर मूथा का पौधा अधिकांशतः तालाबों और नदियों के किनारे नमी वाली जमीन में होता है। इसमें फूल जुलाई तथा फल दिसंबर में लगते हैं। नागर मूथा तीन प्रकार का होता है, मूथा, नागर मूथा, केवटी मूथा। नागर मूथा का पौधा कोमल, पतला, सुगंधित और घास की तरह छोटा होता है। नागर मूथा का तना जमीन से ऊपर सीधा, तिकोना और बिना शाखा का होता है। नीचे कंद होता है जिससे प्रकंड जुड़े होते हैं। ये गूदेदार सफेद होते हैं लेकिन बाद में रेशेदार भूरे रंग के और पुराने होने पर लकड़ी की तरह कठोर हो जाते हैं। इसके पत्ते विभिन्न आकार के लंबे, पतले, घास जैसे तथा कमजोर होते हैं। इसके भूमि में रहने वाले हिस्से में अंडाकार, सुगंधित, बाहर से पीले रंग के दिखने वाले और अंदर से सफेद दिखने वाले अनेक कंद लगे रहते हैं। इन कंदों को ही नागर मूथा कहते हैं। बाजारों में नागर मूथा के स्थान पर साइपर डिफ्यूसिस वहल नामक पौधे प्रकंड को बेचा जाता है। यह नागर मूथा से भिन्न दूसरी प्रजाति है। नागर मूथा के प्रकंड सुगंधित होते हैं लेकिन इसके प्रकंड नागर मूथा से कम गुण वाले और कम सुगंधित होते हैं। दोस्तों नागर मूथा के फायदों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों हमारे इस वीडियो के अवलोकन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारा आपसे निवेदन है कि यदि हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायी प्रतीत हुई हो तथा आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। एवं यदि आपके कोई प्रश्न या उत्तर हैं अथवा आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें अपनी जिज्ञासा बतलाएं तथा हमारे द्वारा यह भरसक प्रयास किया जाएगा कि हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करें और आपको आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करें। मित्रों उम्मीद है आपसे हमको ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई जानकारी पर आधारित लाते रहेंगे।